Hello everybody. Welcome to Brain Solution. Today we'll be doing question number 6 from exercise 7A. Okay. Before doing this question, we'll talk about proportion. हम proportion के बारे में बात करते हैं. Proportion is basically ratio को ही proportion भी बोला जाता है, किस proportion में. ठीक है. But here we have equivalent fractions. Suppose if we have the numbers like 2/3, 6/9. तो ये दोनों नंबर्स का प्रोपोर्शन जो है वो सेम है. कैसे? लेकिन आप बोलेंगे मैम द न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो ये सारी चारों नंबर प्रोपोर्शन में कैसे हो? वैसे अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2s are 6, 3 3s are 9, दैट मीन 6/9 इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3. तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज टू नंबर्स 2/3 एंड 6/9 दे आर इन प्रोपोर्शन. ये किस चीज में प्रोपोर्शन है, बिकॉज दे आर इक्वल इक्वल इन फ्रैक्शंस. ठीक है, सही. नाउ वी टॉक अबाउट इफ वी हैव 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन, वी हाउ वी फाइंड आउट द फोर्थ नंबर. सपोज दिस इज द फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 वी आर डूइंग, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर, दिस इज द फोर्थ नंबर. We have to find out the second number. Okay? So let the second number be, second term be x. हमने second term को x माना है. ठीक है, तो फिर if first term is 6, तो second term क्या हो जाएगी, x. This is in proportion to the fraction 9/36. This is the third term, this is the fourth term. First term, second term, third term, fourth term. If the question is saying 6, 9 and 36 are the first term, third term, fourth term, तो उसको ऐसे arrange करेंगे. ठीक है, we have to find out the second term. Clear हुआ? ये first होती है, ये second term होती है, this is the third term, this is the fourth term. Right? अब ये सब proportion में we have to find out this x. What we'll do here is, x को हम numerator में ले आएंगे इधर, बाकी सब इधर आ जाएगा. 6 × 36 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9. ठीक है, तो फिर 9 1 9, 9 4 36, 4 6 24. तो आंसर यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या आ गया, 24. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सिंपल है. नाउ वी कम टू द सेवन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज, आर द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन. हमें ये फाइंड आउट करना है, क्या ये सारे प्रोपोर्शन में है. 4:12:6:18. ठीक है, क्या ये प्रोपोर्शन में, उसके लिए क्या होना चाहिए, दीज टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म. ऐसे होना चाहिए ना, इफ दे आर इन प्रोपोर्शन. क्लियर, हमें पता है 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 3s are 12, तो ये आ गया 1/3. This should also be equal to 1/3. 6 की टेबल में 18 कब आता है, 6 3s are 18. That means they are equal. दोनों proportion, दोनों equal है. That means yes, they are in proportion. Clear? Now we come to the B part. B part में है, we have to find out 2:5:6:9. Are they in proportion? Let us find out. First term लिखिए, second term. This should be equal to third term upon fourth term, right? ये तो further simplify नहीं हो सकता है, because this is in the simplest form, दोनों prime numbers हैं, but this can be further simplified, ठीक है? 6 और 9 दोनों किसकी table में आते हैं? 3 की table में आते हैं ना? पढ़िए 3 की table, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Now 2/5 equal to 2/3? No, they are not equal, है ना? So, are they in proportion? तो क्या आंसर लिखेंगे? No, they are not in proportion. Clear है? I hope the concept of proportion is clear to you. समझ में आ गया ना proportion का मतलब? Clear है? Now we come to C part of this question. The C part is 4/9. Is it proportionate to 16/21? Let us find out first term upon second term. This should be equal to 16/21. That means third term upon fourth term. ठीक है, अब 4 और 9,
ये तो प्राइम नंबर है, बाकी फोर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, दैट मीन्स ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। नाउ वी कम टू दिस वन, 16 और 21, क्या टू की टेबल में आते हैं दोनों? नहीं, 21 इज ऑड नंबर, नहीं सिंपलीफाई होगा। इफ यू कम टू थ्री, 3 7 और 21, लेकिन 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, ठीक है, 5 नहीं, तो आई डोंट फील देयर इज एनी नंबर जिससे कि फर्दर सिंप्लीफाई हो, दैट मीन्स नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। नाउ वी कम टू द डी पार्ट, डी पार्ट इज 21:16, 25:20, ठीक है। तो अब देखते हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, दिस शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, ठीक है। 21/16, आई डोंट फील ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ये वाला हो जाएगा 25/20, 5 की टेबल में आते हैं दोनों, 5 5s are 25, 5 4s are 20, तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? नहीं, दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, क्लियर। नाउ वी कम टू 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, बहुत सिंपल है, ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है, बस ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, 6 kg ऑफ राइस इज इनफ फॉर 20 पीपल, 6 kg ऑफ राइस इज इनफ फॉर 20 पीपल, ठीक है। देन दे आर आस्किंग हाउ मच राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच राइस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम रेशियो के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 6 kg अपॉन 20 पीपल, दिस शुड बी इक्वल टू, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ राइस बी x, ठीक है। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 50। ये देखिए ऊपर kg है, दिस इज पीपल, तो ये पीपल हो गया, ठीक है। हियर अगेन वी हैव x kg डिवाइडेड बाय पीपल, कंफ्यूज नहीं होएगा कि ऊपर पहले केजी है, यहाँ पे आप 50 लिख दे, ठीक। 6/20, बहुत सिंपल है, पहले 6 फिर 20, 6 के नीचे 20, शुड बी इक्वल टू x/50, क्लियर, ठीक है। तो फिर ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x कितना हो जाएगा, x को हम इधर रखते हैं, 50 इधर ले आते हैं हम, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0, 2 3s are 6, 3 5s are 15 kg, that means 50 people will need how much amount of rice, 50 people will need 15 kg of rice, clear, easy, hai na, theek hai। Now we come to question number 9, question number 9 is the price of 10 meter cloth is 660 rupees, to hum likh lete hain 10 meter cloth cost us about 660, ठीक है। We have to find out the price of 6 meter of the same cloth. अब हमें 6 meter cloth available है, we have to find out its price. Not a big deal, हम कर लेंगे, कैसे, first term upon second term, 10 meters upon cost कर लेंगे हम 660, दिस शुड बी इक्वल टू, अगेन ऊपर मीटर है तो यहाँ पे भी 6 मीटर डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर, हमने इसको x एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, लेट द प्राइस ऑफ 6 मीटर क्लोथ बी x, ठीक है। तो हमने इसको x एज्यूम कर लिया, तो यहां से x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 6 मीटर्स इंटू 660 divided by again 10 meters, ठीक है। This will come out to be 6 6 are 36 6 6 are 36 and 3 is 9 396 rupees, clear। Now we come to question number 10, please अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक भी कीजिए, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में क्या कंजूसी है ना, जब मैं इतना आपको बहुत ज्यादा दिल से पढ़ाती हूँ, मतलब आई जस्ट
पुट माय लेवल बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. मुझे ये रहता है कि आप लोग का कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, तो आप भी थोड़ा सा मैम के लिए करिए, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा, ठीक है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10. अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स. एक कोई कार है, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स. क्लियर. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी 5 आवर्स में. हमने उसको x सपोज कर लिया, ठीक है. तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स बी x, ठीक है. कैसे निकालेंगे हम, अगेन फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म. r ऊपर r आया, नीचे 150 किलोमीटर. दिस शुड बी इक्वल टू 5 आवर्स डिवाइडेड बाय x किलोमीटर, ठीक है. तो x कैसा, x यहां जाएगा इधर की तरफ, बाकी सब विल टेक दिस साइड. 150 न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 आवर्स, ठीक है. 3 5 जो 15 एंड 0, 5 5 जो 25 एंड 0 किलोमीटर, क्लियर. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज द शैडो ऑफ अ 10 मीटर हाई पोल इज 6 मीटर, ठीक है. तो शैडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज इक्वल टू 6 मीटर्स, राइट. वी हैव टू फाइंड आउट द शैडो ऑफ अ 15 मीटर हाई पोल. शैडो ऑफ 15 मीटर हाई पोल, एक कोई दूसरा ये पोल होता है, ये इसकी अगर ये 10 मीटर है तो इसकी हाइट आ रही है 6 मीटर, ठीक है. इसकी यहां पे है 6 मीटर. इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये 15 मीटर का पोल है तो इसकी शैडो कितनी हो जाएगी, ठीक है. व्हाट वी विल डू हियर इज अगेन वी विल डू द सेम थिंग. 10 मीटर अपॉन 60 मीटर, ये तो हो गया नीचे आया शैडो, ऊपर आया पोल, ठीक है. पोल की हाइट थी 6 मीटर, तो शैडो वॉज 6 मीटर. अगेन वी हैव टू फाइंड आउट पोल की हाइट ऑफ 15 मीटर, तो शैडो क्या हो जाएगी, हमने इसको x ले लिया, ठीक है. तो यहाँ पे x को मैंने इधर लिया, बाकी सब आई टेक दिस साइड. ये न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 15 का विल कम इन द डिनोमिनेटर, ठीक है. 5 6 आर 30, 6 1 जा 6 9 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल टू 9 मीटर. तो 15 मीटर हाई पोल विल कास्ट अ शैडो ऑफ 9 मीटर, ठीक है, क्लियर है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज 650 लाख एंड दैट ऑफ स्टेट बी इज 750 लाख, ठीक है. तो हमें क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 650 लाख, ठीक है. वही पॉपुलेशन ऑफ बी इज, दो स्टेट है, दूसरे की पॉपुलेशन कितनी है 750 लाख, ठीक है. एरिया ऑफ स्टेट ए इज, एरिया ऑफ ए इज गिवन एज 13 lakh kilometers square, ठीक है. एंड दैट ऑफ स्टेट बी इज 25 lakh kilometers. बी का जो एरिया है दिस इज 25 lakh kilometers square. दो स्टेट है, दोनों की पॉपुलेशन गिवन है, दोनों के एरियाज गिवन है, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर इन स्टेट ए, ठीक है. कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर किलोमीटर स्क्वायर इन स्टेट ए विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना डिवाइडेड बाय क्या, उसका टोटल एरिया, ठीक है. यही तो हो जाएगा, दिस विल बी 650 लाख डिवाइडेड बाय
What is the area of state A? This is 13 lakh kilometer square. ठीक है? How many people are there in per kilometer square? Fine. तो lakh से lakh cancel out हो जाएगा. अब 613 into 5 करके देखते हैं. 5 3 is a 15, 5 is a 5, 5 6. That means 13 ones are 13, 13 5 is 65 and 0. That means 50 people are living per kilometer square in state A. 1 kilometer का जो area है, उसमें state A में कितने लोग रह रहे? 50 people are residing. Clear? ठीक है? Now we come to the B part of this question. B part is, we have to find out how many people are there in per kilometer square in state B. Again the same thing. A का कितना आंसर आया? A का आंसर आया हमारे पास 50, तो लिख लेते 50 per kilometer square. Now we find number of people living in per kilometer square in state B. What we'll do here is total number of people, that is 750 divided by 750 lakh. ठीक है? Divided by total area of state B. ठीक है? तो ये कितना आया? 750 by 250 by 25. ठीक है? तो अगर मैं इसको 5 से करती हूँ, 5 5 are 25, 5 1 are 5, 2 here, 5 5 are 25 and 0, 5 1 are 5, 5 3 are 15 and 0, lakh से lakh cancel out हो जाएगा, that means 30 people are living per kilometer square in state B. State B जो है, उसके 1 kilometer में कितने लोग रह रहे हैं? 30 people are living. ठीक है? Now the question number C is which state is thickly populated? Thickly populated का मतलब क्या होता है? Which one is more populated? किसमें ज़्यादा population है? Obviously state A में अगर 1 किलोमीटर में 50 people रह रहे हैं, state B में 30 people आ living per kilometer square. That means which state has more population? कौन thickly populated है? Obviously state A. Clear हुआ concept? समझ में आया? क्यों state A है? कुछ भी आएगा answer? बट वो लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाई स्टेट बी थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि स्टेट ए में ज्यादा लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके यू हैव टू टेल मी व्हिच कंट्री इन द वर्ल्ड इज मोस्ट पॉपुलेटेड. पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है? फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों कंट्रीज मुझे बतानी है. ठीक है, तो फिर उस बच्चे का नाम मैं अगली वीडियो में बताऊंगी जो मुझे बताएगा ना. ठीक है, इट विल बी फन, है ना, मजा आएगा. जो बच्चा अपने नाम के साथ मुझे बताइएगा, YouTube पे जो चैनल आपने रजिस्टर कर रखा था तो उस नाम से आते हैं, अपना नाम लिखिएगा, फिर मुझे बताइएगा विच टू कंट्रीज आर मोस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नाम बताऊंगी. ठीक है, मजा आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज बनानास आर अवेलेबल इन द मार्केट एट द रेट ऑफ ₹24 per dozen. मतलब एक डजन बनानास की क्या वैल्यू है? ₹24. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 10 बनाना. तो आप बोलेंगे मैम ऊपर तो डजन में गिवन है, यहां पर सिर्फ सिंपल 10 नंबर गिवन है, कैसे फाइंड आउट होगा? तो ठीक है भाई, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, हमारी 7th क्लास के स्टूडेंट, तो क्या वी नो दैट वन डजन हैज हाउ मेनी थिंग्स? एक डजन में कितने होते? वी हैव 12 बनानास. एक दर्जन केले होते हैं ना, एक दर्जन, तो उसका एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 होते हैं ना. ठीक है, तो आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो, तो फिर वन डजन मीन्स 12 बनानास. दैट मीन्स 12 बनानास आर कॉस्टिंग, 12 बनाना की क्या कॉस्ट आ रही है? 24 रुपी. तो ठीक है, 10 बनानास भी हम बता देंगे, है ना, 12 बनानास डिवाइडेड बाय ₹24, दे शुड बी इक्वल टू 10 बनानास डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ 10 बनानास. ठीक है, तो फिर x को हम ऊपर ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर ऊपर आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी 2, सो दे विल कॉस्ट यू अराउंड मी एग्जैक्टली ₹20. क्लियर है? ठीक है, हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 7A. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड एक्सरसाइज. उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए. बहुत सारे ऐसे बच्चे जो विदाउट सब्सक्राइबिंग देख रहे हैं वीडियोस, आप सब्सक्राइब करो. क्या कर रही हो सब्सक्राइब करने में? और शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, तभी तो मुझे भी मजा आएगा कि भाई इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे. नाउ वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन.